नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टूरिस्ट वीजा के इस चैनल के ऊपर। सो अलग अलग वीडियो अलग अलग टॉपिक के ऊपर इस चैनल पे आती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। जब बात करते हैं यूएसए की बात करते हैं, तो इसके टूरिस्ट वीजा के क्या सिनेरियो चल रहे हैं अभी थोड़ा सा हम बेसिक में डिस्कस करेंगे 3-4 मिनट की वीडियो में कि एट प्रेजेंट जब मार्च मिड क्रॉस कर चुका है तो यूएस के टूरिस्ट वीजा का क्या स्टेटस और ट्रैवल का क्या सिनेरियो। सो यहाँ पे पहली बात अगर ट्रैवल से करते हैं तो ट्रैवल के सिनेरियो सबको यही है कि यूएस ने बॉर्डर अपने को ज्यादा बंद नहीं रखे थे। पिछले साल से ही लोग जिनके पास वीजा है तो वो जा रहे हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ, क्वारंटीन को लेके थोड़ी बहुत कंडीशन जो है वो आती जाती रहती है, जैसे सिनेरियो रहते हैं, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल में बात करें तो ट्रेवल यस पॉसिबल है, ट्रेवल किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है न्यू एप्लीकेंट का, क्योंकि ट्रैवल तो वही करेगा जिसके पास वीजा है। तो जिसके पास वीजा नहीं है वो किसी फैमिली मेंबर को मिलने जाना चाहता है तो क्या उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी, क्या वो वीजा अप्लाई कर सकता है। तो इसकी जो अनाउंसमेंट कुछ वीक पहले आई थी, यूएस हाई कमीशन ने अनाउंस किया था कि वो दिल्ली में अपने जो सेंटर है वहां पे लिमिटेड अपॉइंटमेंट देनी स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिटेड अपॉइंटमेंट का कहने का मतलब है कि स्लॉट लिमिटेड रहेंगे, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपकी स्पेसिफिक लैंग्वेज में आपको शायद कोई स्लॉट ना मिले। कहने का मतलब है कि आपने जब अपनी फाइल प्रिपेयर करनी है तो इंग्लिश को ही एज ए लैंग्वेज आपने इंटरव्यू लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आगे स्लॉट पॉसिबल होंगे। प्रोसेस वही है, आपने डीएस 160 भरना है, आपने वैसी फीस पे करनी है, उसके बाद अपॉइंटमेंट स्लॉट आएगा। और अपॉइंटमेंट 2-3 महीने से पहले का आपको स्लॉट मिलना डिफिकल्ट है जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। मतलब आपने जून जुलाई में भी ट्रेवल करना है तो आप अपने स्लॉट का काम जो है मार्च एंड या मई में से स्टार्ट कर सकते हैं, अप्रैल में। इवन अब अप्रैल से ही आप स्टार्ट कर लोगे तो मच बेटर रहेगा, क्योंकि एक तो रीजनल लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है। अब आप सोचोगे कि अगर रीजनल लैंग्वेज नहीं है तो जिसको पंजाबी हिंदी ही आती है वो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए प्रोविजन है कि वहां पे आपको ट्रांसलेटर मिल जाएगा, लेकिन प्रेजेंटली क्योंकि स्लॉट लिमिटेड है तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करके ही स्लॉट मिलेगा, अदरवाइज आपके पास स्लॉट भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर कंक्लूजन पे आते हैं, यूएस अपॉइंटमेंट लिमिटेड वे में अवेलेबल है, वीजा जो है लगने शुरू हो चुके हैं क्योंकि अब अपॉइंटमेंट मिलनी शुरू हुई है, अब वीजा भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं, इवन स्टूडेंट कैटेगरी के भी स्टार्ट हो गए हैं। ट्रैवल भी यूएस का चल रहा है, लिमिटेड वे में चल रहा है, वो चलता ही रहेगा आने वाले टाइम में भी। सो अगर किसी ने फैमिली विजिट के लिए जाना है पर्टिकुलर राइट नाउ, क्योंकि अगर आप टूरिज्म जा सकते हैं लेकिन अगर फैमिली रीजन होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो अगर किसी ने फैमिली रीजन से भी जाना है या किसी और पर्पज से भी जाना है तो यस, आपको 2-4 महीने पहले से अपना प्लान शुरू कर लेना चाहिए। और वैक्सीनेशन लगनी शुरू होगी है हर जगह पे, तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे वैक्सीनेशन का प्रोसेस आगे चलेगा, एम्बेसी भी जो अपने ऑपरेशन है वो पहले की तरह प्री कोविड सिचुएशन की तरह करने की कोशिश करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा स्लॉट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। ये हाई कमीशन, यूएस का हाई कमीशन फ्राइडे का क्वेश्चनरी रखता है, क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं फेसबुक जब अलग सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए, तो वहां भी वो रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, इस पे वो काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में स्लॉट का जो इशू है वो भी खत्म हो जाएगा। सो ये प्रेजेंट सिनेरियो थे यूएस टूरिस्ट वीजा को लेके, B1 B2 की हमने बात की है। और भी वीडियोस चैनल पे आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आने वाले टाइम में, चाहे यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, किसी भी कंट्री की कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है विजिटर कैटेगरी के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, तो मैं इसी चैनल पे आपसे सबसे पहले शेयर करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।